कलकत्ता में तो बहुत कुछ हो रहा है इस समय, कलकत्ता में जो भी कुछ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए इस तरह से। इस तरह का घटना अगर होता है तो उसको कड़ा से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नीतीश बाबू मतलब हमारे बिहार के गांधी जी हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार, झारखंड देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अशोक चौधरी ने किताब लिखी है, बिहार के गांधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। इस किताब का विमोचन आज होना है और इस विमोचन में तमाम जो दिग्गज लोग हैं वो पटना पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, राम के किरदार निभाने वाले अरुण गोविल पहुंचे हैं पटना, और ऐसे में बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण भी पटना पहुंचे हैं इस किताब का विमोचन करने। लेकिन आप पहले देखिए किस तरह से उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही अरुण गोविल वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए, ममता बनर्जी को बंगाल में हुए डॉक्टर के बलात्कार पे कार्रवाई करनी चाहिए, दोषियों को छोड़ना नहीं चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर उदित नारायण ने बड़ी बात कह दी है। पहले आप उन दोनों के बयानों को सुने। सर पटना है पहली बार? हाँ बताइए। सर बिहार आए हैं? बिहार आए हैं सर, कैसा लग रहा है? अरे बिहार कोई पहली बार थोड़े आए हैं, बिहार तो हम सौयों बार आ चुके हैं। हाँ, और बिहार में आके अच्छा ही लगता है, आप सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, कुमार जी किताब का विमोचन हो रहा है। जी जी, हाँ उसी के लिए आए हैं जी। अरे एक मिनट, किताब के विमोचन के लिए ही आए हैं सर। कलकत्ता में जो घटना घटी है डॉक्टर के साथ, कैसे देखते हैं इसको? कलकत्ता में तो बहुत कुछ हो रहा है इस समय, कलकत्ता में जो भी कुछ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए इस तरह से। चारों तरफ बिल्कुल ऐसा वातावरण हो गया है अजीब सा। ममता बनर्जी ने कहा कि इसमें वाम और राम का, राम और वाम वाला लोग कर रहे हैं, राम से आपका संबंध अच्छा है। ममता बनर्जी कुछ भी कह सकती हैं जो उनके मन में आता है, स्वतंत्र देश की स्वतंत्र नागरिक हैं वो, है ना। लेकिन इस तरह की सीधी बातें करना कि राम वाले लोग ऐसा कर रहे हैं, अब वो तो वो आपको उनसे ही पूछना होगा कि वो ऐसी बातें क्यों करती हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आज पुस्तक आदरणीय नीतीश बाबू मतलब हमारे बिहार के गांधी जी हैं, और आज पुस्तक विमोचन हो रहा है तो उसके लिए हम लोग आए हैं, बहुत खुशी की बात है। और उसके बाद शाम को सब नीतीश कुमार लग रहा है बिहार के गांधी हैं सर। बिल्कुल है, इतने सालों से बेहतरीन काम किया उन्होंने, लाजवाब काम किया है, और वो आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। कहाँ के लिए? देखिए, मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। घटना अगर बढ़िया घटना घटता है तो सबको अच्छा लगता है, और कोई ऐसा घटना घटता है जिससे सबको तकलीफ हो तो इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही दुखनीय घटना है, ऐसा घटना नहीं होना चाहिए, और इस तरह का घटना अगर होता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहाँ के सीएम बोले कि राम वाले जो लोग हैं वो सब कर रहे हैं। कमेंट करना इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि खुद एक महिला है वो। तो आपने सुना, अरुण गोविल ने साफ तौर पे कहा है कि देखिए, जो बंगाल में हुई है कांड हुआ है उस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं उदित नारायण कह रहे हैं कि बिहार के सच में गांधी हैं नीतीश कुमार। बहरहाल इसको इतना ही, इसे तमाम खबरें बने रहे, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी, पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।